वॉट इज मीन बाय सोसाइटी सोसाइटी मीज क्या है देखो सोसाइटी इंक्लूड ऑल पीपल सोसाइटी में क्या इंक्लूड होते हैं ऑल पीपल मेन उमन ग्रोन अप्स ओल्ड पीपल यंग चिल्ड्रन और फैमिलीज आर इन द पार्ट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट ग्रुप इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन तो सोसाइटी में देखो यंग चिल्ड्रन होते हैं अमर फैमिलीज़ होती है ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रुप्स होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं मेनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं द इंटर रिलेशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल पीपल में जो इंटर रिलेशनशिप होता है जो इंटरेक्शन होता है ये भी सोसाइटी का पार्ट है एंड देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनादर एंड शेयरिंग ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी तो हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और शेयरिंग करते हैं ये भी पार्ट सोसाइटी में होता है सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ मॉब और क्राउड ऑफ पीपल और सोसाइटी इज अ फॉर्म वेन द पीपल कम टूगेदर टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ सोसाइटी में जो क्राउड है पीपल है मॉब है ऐसी नहीं है तो सोसाइटी में क्या होता है देखो सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है कम टुगेदर टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव मीनस एक दूसरे के साथ रहना और कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव जो जो अचीव करना यही एक सोसाइटी होती है सिर्फ गर्दी में रहना क्राउड में रहना मॉब में रहना यही सोसाइटी नहीं है इन ऑर्डर टू फुलफिल नीड लाइक फूड क्लॉथिंग शेल्टर एंड सिक्योरिटी द सोसाइटी हैज़ टू क्रिएट अ परमानेंट सिस्टम तो जो नीड्स uh, uh, हैं हमारी जैसे फूड है क्लॉथ है शेल्टर है सिक्योरिटी है ये ये सबको मिलनी चाहिए ये क्रिएट ऐसे एक परमानेंट सिस्टम सोसाइटी में क्रिएट करने की कोशिश होती है विदाउट सच अ सिस्टम द डे टू लाइफ अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी द सोसाइटी कैन नाट बी कैरिड ऑन तो अगर एक परमानेंट सिस्टम हमने नहीं बनाया तो सोसाइटी चल नहीं पाएगी अ सिस्टम इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी के लिए एक सिस्टम जो ना ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इज इसेंशियल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फूड तो फूड की जो नीड्स है हमारी वो फुलफिल करने के लिए हमें एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है वैसे ही वेरियस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो एग्री वो भी क्रिएट होते हैं जैसे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में वर्क होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे अलग फंक्शन होते हैं जो भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है देयर फॉर अ वास सिस्टम नीड टू बी क्रिएटेड विच इंक्लूड फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज फॉर फार्मिंग तो फार्मिंग के लिए भी एक अलग से सिस्टम बनाई गई है जिसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चर मीनस इक्विपमेंट बनाने के लिए बहुत सारा मीन्स बैंक बैंक भी हमें लोन प्रोवाइड करता है और एक सिस्टम बना के वो वर्क चलता है फार्मर्स हाउस मार्केट फॉर द गुड प्रोड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेनी सच्चे सिस्टम मेक्स द सोसाइटी स्टेबल तो इस सिस्टम से सोसाइटी को स्टेबल बनाया जाता है और तो देखो एग्रीकल्चर इज इसेंशियल टू फुलफिल आवर नीड्स फॉर फूड वेरियस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो ऐसे बहुत जैसे एग्रीकल्चर है वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वो समाज में बनाया गया है देर फॉर अ वास्ट सिस्टम नीड टू बी क्रिएटेड विच इंक्लूड फैक्ट्री दर एनुफैक्चरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज फॉर फार्मिंग तो फार्मिंग के लिए जो भी कुछ इक्विपमेंट्स है टूल्स है वो भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बैंक टू प्रोवाइड अर लोन्स टू द फार्मर तो बैंक लोन प्रोवाइड करता फार्मर को और मार्केट फॉर द गुड प्रोड्यूस तो गुड प्रोड्यूस uh, के लिए मार्केट भी प्रोवाइड होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी सच ए सिस्टम में का सोसाइटी स्टेबल तो इससे सोसाइटी स्टेबल होती है इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शर्न अबाउट द डायवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी तो इंडियन सोसाइटी में कैसी डायवर्सिटी है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओके थैंक यू